अम्बाला शहर के अलग अलग वार्डों में घूम रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी क्षेत्र में आज से दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत यात्रा आज शहर के वार्ड 9 में पहुंची, जहां अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ने जनता को 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। इस दौरान विधायक ने मौके पर ही जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे विधायक असीम गोयल ने सबसे पहले कार्यक्रम में आए लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलवाई और उसके पश्चात जिन लोगों के इस यात्रा में मौके पर ही पेंशन कार्ड बनाए गए थे उन्हें उनके कार्ड वितरित किए गए। यात्रा आज अम्बाला शहर के वार्ड 9 में स्थित पुरानी अनाज मंडी पहुंची। विधायक असीम गोयल ने बताया कि इस यात्रा में आमजन को बहुत लाभ मिल रहा है। जहां लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं लोगों की समस्याओं का भी हल हो रहा है। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस यात्रा को अब और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधायक ने बताया कि इस यात्रा में आमजन पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ जनता ने 2014 में मोदी सरकार को चुना था, मोदी सरकार उस विश्वास पर खरी उतरी है। आज केंद्र की मोदी और प्रदेश की मनोहर सरकार ने लोगों के रोटी कपड़ा मकान दवाई और पढ़ाई की चिंता कर सुविधाएं दी हैं। 30 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक 2 महीने इस गाड़ी को हो गए हैं और 9.5 साल लगभग 10.5 साल पहले आपने जिस विश्वास के साथ अपने देश के प्रधान सेवक का जिम्मा आदरणीय मोदी जी को सौंपा, प्रदेश के प्रधान सेवक का मुख्य सेवक का जिम्मा आदरणीय मनोहर लाल जी को सौंपा, इन लगभग 10 सालों में देश कितना आगे बढ़ा, इस गाड़ी के अंदर बड़े विस्तार के साथ उन सब योजनाओं का वर्णन है, देश की तरक्की के बारे में दिखाया गया है। हमने 2047 की अभी शपथ ली। 2047 यानी जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे, 1947 में हमें आजादी मिली और हमने शपथ ली कि भारत जो है इस दुनिया का सबसे मजबूत देश बने, 2047 तक हम ऐसा काम करेंगे। इस समय 3 कैटेगरी के देश पूरी दुनिया के अंदर हैं, लगभग 250 से ज्यादा संख्या हो चुकी है देशों की पूरे संसार के अंदर। 37 देश ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, जिनका विकास हो चुका है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और दूसरी कैटेगरी में वो देश आते हैं जिनका विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे भारत, जिसको हम विकासशील देश कहते हैं। हमने ये संकल्प लिया कि भारत को उस दूसरी कैटेगरी से निकाल के पहली कैटेगरी के उन 37 देशों में ना केवल लेके जाएंगे बल्कि सबसे आगे खड़ा करेंगे। और मोदी जी ने इसलिए कहा कि जन जन की भागीदारी जब तक इस संकल्प यात्रा में नहीं होगी, जन जन इस भारत को आगे लेके नहीं जाने का प्रयास करेगा, तब तक भारत आगे नहीं जा सकता। आज मोदी जी की गारंटी के नाते देखो, हम पहले कहते थे भाई जीवन के अंदर 3 चीजें होना जरूरी है जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान। आज उसके अंदर 2 चीजें और जुड़ी हैं, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई और दवाई। इन 5 चीजों के बिना जीवन ही जिया जा सकता। रोटी के नाते 80 करोड़ लोगों को राशन की गारंटी इस मोदी सरकार ने दी। 80 करोड़ लोगों के घरों में आज भी राशन आ रहा है और मकान के नाते पीएम आवास योजना में बहुत से लोगों को घर मिला है। और अगर दवाई की बात करो, इलाज की, जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार दे रही है, उनके स्वास्थ्य की चिंता, इतना बड़ा देश, जो लोग विदेश से आते थे कहते थे कि भाई आप विदेश में चले जाओ, किसी अस्पताल में फोन कर दो, फ्री में इलाज करा के घर छोड़ जाते हैं, लेकिन वो देश कौन से थे? जर्मनी के बाद ही 5 करोड़, फ्रांस की आबादी 6 करोड़, जिस इंग्लैंड ने 200 साल हमारे पे राज किया उसकी आबादी 6 करोड़, अमेरिका यूपी से भी छोटा, उन सब देशों में बातें ठीक थी। 140 करोड़ की आबादी के देश के अंदर कौन ऐसी गारंटी देने के लिए आएगा? आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया।